कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिले के इंसिडेंट कमांडर पॉजिटिव परिवार के घर पहुंच रहे हैं और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के साथ ही परिवार को आने वाली समस्याओं की जानकारी भी ली जा रही है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर के 9 इंसिडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्रों में स्थित पॉजिटिव परिवार से जानकारी ले रहे हैं और उनको आने वाली समस्याओं के निवारण के साथ ही पाबंद किया जा रहा है कि वह घर से बाहर ना निकले। पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की इंसिडेंट कमांडर तारामती वैष्णव द्वारा प्रताप नगर सिविल लाइन लोहा खान सहित विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पॉजिटिव परिवारों से जानकारी ली गई और उनकी तबीयत पूछी गई। वहीं अब तक चिकित्सा विभाग द्वारा किस तरह से स्वास्थ्य उपचार सेवाएं दी जा रही है इसे लेकर भी फीडबैक लिया गया। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी इंसिडेंट कमांडर क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और हालातों का जायजा लेने के साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जानकारियां ली जा रही है। यह सभी जानकारियां उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। इन सभी की जानकारी देते हुए आम जनता को जागरूक किया गया और उनसे अपील भी की गई कि वह बेवजह घर से बाहर ना निकले, अन्यथा उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। चूंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और रोज ही बहुत ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, मुझे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा PSC पुलिस लाइन के लिए इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। कल जिला कलेक्टर महोदय के ये निर्देश थे कि सभी इंसिडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्र में जाकर और पॉजिटिव और एक्टिव केसेस से बात करेंगे, उनसे ये जानकारी लेंगे कि उनके पास में संबंधित PSC द्वारा दवाइयाँ प्रॉपर रूप से पहुँचा दी गई है, साथ ही वहाँ कोई भी गाइडलाइन का वॉयलेशन नहीं हुआ। इसी संदर्भ में आज मेरी टीम द्वारा सुबह 9 बजे से ही PSC पुलिस लाइन के जो क्षेत्र है उसमें एक्टिव केसेस के घर जाकर विजिट की जा रही है और अब तक हम लगभग 25 घरों का विजिट कर चुके हैं जिसमें लगभग 46 एक्टिव केसेस हैं। तो और लगातार हम एक्टिव केसेस के जो घर है वहाँ जाके और उनसे पूछ रहे हैं और उनसे ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर रूप से मेडिकल द्वारा दवाइयाँ और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है और जो भी हमारी एंटी कोविड टीम है वो भी निरंतर फील्ड में मॉनिटरिंग कर रही है, साथ ही ये भी इंश्योर कर रही है कि जो भी एक्टिव केसेस हैं उनके द्वारा गाइडलाइन का वॉयलेशन नहीं किया जाए। किसी तरह कोई समस्याएं कोई परिवार नहीं, अभी तक जितने भी हाउस होल्ड की मैंने विजिट की है सभी के द्वारा ये बताया गया है कि मेडिकल टीम द्वारा उनको सेम डे ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई वहाँ आकर और उनको उचित रूप से जो भी ट्रीटमेंट था उसका प्रोटोकॉल के तहत वो उपलब्ध करा दिया गया है। अभी तक जो भी आया है उसमें अभी तक कोई भी ऐसी समस्या निकल के नहीं आई है सामने।